गोरखपुर जिले में सोमवार को 139 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष के इलाज के दौरान मौत हो गई। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,474 हो गई है। अब तक 267 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 14,288 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1919 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि अगर शहर की बात करें तो 83 नए मरीज मिले हैं। इनमें से शाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को सबसे अधिक 28 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 10, कैंट थाना क्षेत्र में 13, रामगढ़ ताल 11, कोतवाली में 3, गुलहरिया में 4, राजघाट में 9, चिलुआताल में 4, तिवारीपुर में 1 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 42 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें बांसगांव में 2, पिपरौली में 1, चरगावा में 14, खुराबार में 10, कैंपियरगंज में 5, खजनी में 5, कोड़ीराम में 2, बड़हलगंज में 1, सरदारनगर में 6, जंगल कोड़िया में 3, ब्रह्मपुर में 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 14 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।